इन इंद्रियों के अंदर अनेक अनेक देवता बैठे हुए हैं, जो इंद्रियों के जो ये जरोखा बना दिए गए हैं, जो इंद्रियों के ये द्वार बना दिए गए हैं। प्रत्येक द्वार के अंदर देवताओं का वास है। जो भी विषयों की हवा इनके अंदर आती है, ये झट से दरवाजा खोल देते हैं। फिर वो कौन मन को जाकर के भ्रमित करती है, मन से जाकर के टकराती है। अगर हम समय को जानते हैं तो वो देवता, सभी के सभी देवता अपने अधीन हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चाह करके भी वो दरवाजा खोल करके भी उन विषयों का प्रवेश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो स्वयं स्थित हो गया है, जिसने इस आत्मा को खोज लिया है, जिसने अपने को पा लिया है, उसे कुछ भी पाना और खोना शेष रह ही नहीं जाता। बड़ी जद्दोजहद लगी हुई है। आपने बड़े बुजुर्ग देखे होंगे, कई जर्जर शरीर भी देखे होंगे, बीमार शरीर, बड़ा काला चेहरा हो जाता है, जर्जर सा डरावनी सी शक्ल हो जाती है, भयभीत सा लगने लगता है, रंग और रूप दोनों परिवर्तन हो जाते हैं। कारण क्या है? आपने युवा अवस्था में भी देखा होगा, उस समय शरीर की कुछ और ही अवस्था होती है, तो बच्चे को भी देखा होगा, जो बुजुर्ग हो गया है उन्हें भय लगा हुआ है कि यह शरीर छूट जाने वाला है, कल जाने वाले हैं, दो दिन पीछे मरने वाले हैं, पता नहीं कब चले जाएं। बड़ा एक एक कदम संभाल संभाल के रखने लगता है कि हमें उस परमात्मा के पास जाना है, ये शरीर छोड़ के जाना है। आत्मा और शरीर में बड़ा टकराव होता रहता है, मृत्यु उस आत्मा को अपनी ओर खींचती रहती है। हालांकि यह बड़े आश्चर्य की बात है कि मृत्यु भी उस परम तत्व को नहीं जान पाती जिसको वो खींच रही है। क्यों? क्योंकि वो मृत्यु के अंदर भी वही विराजमान है, मृत्यु उसका शरीर है। जो मृत्यु का देवता है उसके अंदर भी वही तत्व विराजमान है जो जिसको वो खींच रहा है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन वही तत्व उसके अंदर है और वही तत्व उसके अंदर है, वो भी नहीं जान पा रहे और वो भी नहीं जान पा रहे। अगर मृत्यु के देवता ने भी उस तत्व को जान लिया होता या जानता होता तो वो देवता नहीं रहता, वो तो ब्रह्म हो जाता, समय की खोज हो जाती है। और देवताओं और इनमें न अटक करके ब्रह्म का रूप, परमात्मा का रूप, चेतन सत्ता का विराजमान स्थापित हो जाता, वो अपनी ओर खींचता है, वो अपनी ओर। इसी जद्दोजहद की लड़ाई के अंदर शरीर का बहुत ही बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जो निर्भय हो चुका है, जिसके अंदर भय नहीं है, जिन्हें भय पर प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने समय की खोज कर ली है, उनके चेहरे देखो आप। बहुत से संत महात्माओं ने कह के मंगवा करके जहर पी लिया अपने हाथों से और मृत्यु शैया पर जाते चले गए, पता होते हुए भी कि हम मर रहे हैं, भुला करके पी करके चले गए। किंचित मात्र भी भय नहीं था। क्यों? क्योंकि उन्होंने जान लिया था अपने को कि मैं क्या करता हूं और ये शरीर क्या करता हूं। शरीर को तो एक न एक दिन नष्ट हो ही जाना है, लेकिन मैं वो तत्व हूं जो कभी न पैदा होता न कभी नष्ट होता। उन्होंने समझ लिया था इस भेद को,
उस परम चैतन्य के भेद को। तो ये जो लड़ाई छिड़ी हुई है ये हमें तोड़ देनी है। आप युवा अवस्था में जाओगे वहां वासनाएं भरी हुई है, चेहरा और तरह का नजर आएगा आपको, आंखें और तरह से नजर आएंगी, कुछ खोजती हुई सी नजर आएंगी, बुद्धि में कुछ और ही विचार पैदा होंगे, वहां अनुभव नहीं होगा। युवा का जोश तो होगा लेकिन होश नहीं होगा, वहां होश चला गया होगा या पैदा होने वाला होगा आगे, जो अनुभव की सीढ़ियों से होता हुआ गुजरेगा वहां मृत्यु का सोच भी नहीं होगी। तो कामनाएं होंगी, इच्छाएं होंगी, वासनाएं होंगी, लेकिन एक बच्चे का चेहरा देखिएगा जिसने भी कुछ नहीं जाना है, जो अपना पराया कुछ भी नहीं जानता, चाहे कैसा भी बच्चा हो, रंग कैसा भी हो, रूप कैसा भी हो, धर्म कोई भी हो, जाति कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, लेकिन उस बच्चे का नूर देखिए आप कैसा नजर आएगा। हर समय हंसता खेलता हुआ, क्यों? क्योंकि वो अनजान है उससे कि तू भी जाने वाला है, वो समय में स्थित है, वो खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी अभी तक बुद्धि जागृत नहीं हुई है, वो प्रज्ञा में ही स्थित है। जब तक प्रज्ञा में ही स्थित है तब तक चैतन्य का रूप है, जब बुद्धि में उतर के आ जाता है वासनाएं शुरू हो जाती है खेलना। तो आप अलग अलग चेहरे देख के अंदाजा लगाइएगा, क्योंकि बिना अनुभव हुए शिक्षा नहीं मिलती और कोई समझ नहीं पाता। इस कारण से तो उस परमात्मा मछली को तो हमने समुद्र से बाहर फेंक दिया, वो तो समझ लेगी कि समुद्र का क्या महत्व है, लेकिन इस जीव को हम कहां फेंके बाहर, ये आज तक हम भी नहीं समझ पाए, क्योंकि हमें कोई ऐसा स्थान नजर ही नहीं आता जहां वो परमात्मा न हो, वो अनामी न हो, वो अनंत न हो। कहां फेंके इस जीव को जिसे वो तड़पना लगे, जिससे वो विरह जागृत हो, जहां वो प्रेम जागृत हो, जहां वो श्रद्धा पैदा हो, जिससे वो उसकी ओर चलने के लिए फिर से लालायित हो, ऐसा कोई स्थान मुझे नजर नहीं आ रहा। खूब हमने कोशिश की खोजने की, बहुत ज्यादा इस प्रश्न के समाधान करने की कोशिश की कि कहां वो परमात्मा नहीं है जहां जीव को छोड़ दिया जाए और फिर उसको प्राप्त करने के लिए वो जीव उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन हमें ऐसा कोई स्थान नजर नहीं आया जहां उस परमात्मा की सत्ता न हो, जहां वो परमात्मा विराजमान न हो, हमें ऐसा कोई भी स्थान नजर नहीं आया। अगर उसको चलना है
गोद करनी होगी अपनी। जब तक हम अपनी गोद नहीं करेंगे कुछ भी समाधान नहीं हो सकता इस जीव का। इन्हीं वासनाओं के अंदर भ्रमित होते चले जाएंगे, पैदा होंगे, नष्ट होंगे, फिर आएंगे, फिर चले जाएंगे, फिर चक्कर में चढ़ जाएंगे, फिर जोड़ दिया जाएगा, नहीं टूट पाएगा ये 84 का बंधन। तो आपको समय की खोज करनी है। जब तक समय की खोज नहीं होगी दूसरे तत्वों की खोज करने का कोई भी लाभ नहीं हो पाएगा, किसी भी देवी देवता से हमें लाभ नहीं हो पाएगा। क्योंकि जिसको आत्म लाभ नहीं हो सकता, जिसको आत्म ज्ञान नहीं हो सकता, उसके लिए सब देवी देवता निरर्थक हैं, उसके लिए सब देवी देवता अधूरे हैं, वो जीव भी अधूरा है। अगर प्राप्ति करनी है तो समय की करो, लेकिन आप उस सागर के अंदर समाये हुए हो, वो परमात्मा आपके बाहर भी है और अंदर भी है। सागर का तो किनारा होता है, नदी का भी किनारा होता है, पृथ्वी के भी किनारे हैं, क्या वो गोल बना दी गई है? आसमान का भी एक दायरा है अपना, प्रत्येक वस्तु का अपना अपना दायरा है, लेकिन उस परमात्मा वो अनंत के इस दायरे से परे है, काल महाकाल से भी परे है, मायाधीत है वो। वो ऐसा कोई सत्ता नहीं कि एक जीव में आकर के विराजमान हो जाए, ऐसी कोई सत्ता नहीं। लेकिन वो ऐसी भी सत्ता नहीं कि किसी भी जीव से बाहर हो, अंदर भी है और बाहर भी है। तो हम समुद्र के अंदर, सागर के अंदर इस तरह से खो गए कि अनुभव ही नहीं हो पा रहा, खोज ही नहीं पा रहे, समझ ही नहीं पा रहे, भ्रम है, भूल है। लेकिन मैं ये सोच नहीं पा रहा हूं कि आप खोज किसको रहे हैं, ये बड़ा गहरा सवाल है। ये आप लोगों को ये लगता होगा कि ये क्या बोल रहे हैं, हम तो परमात्मा को खोज रहे हैं, हम तो श्री कृष्ण उस वासुदेव भगवान को खोज रहे हैं, उस परम चेतन सत्ता को खोज रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि आज तक हमें ये भी नहीं मालूम कि किसको खोज रहे हैं। सागर एक वैज्ञानिक को आप कह दीजिए कि आप खोज करो जल की, ये जल कैसे पैदा होता है, जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पैदा होता है, जब इन दोनों को मिला दिया जाता है तो जल पैदा हो जाता है। अगर एक जल की बूंद की खोज हो जाए, एक जल का तत्व मिल जाए और जल का कारण पता चल जाए और वो वैज्ञानिक ये कहे कि मैं सातों महासागरों के जल को पहले देखूंगा और उनको देखूंगा कि क्या इसमें भी वही तत्व है जो एक बूंद के अंदर है, तो ये बड़े आश्चर्य की बात होगी और अपना समय बर्बाद करने की बात होगी। क्योंकि जल का जो सूत्र है, चाहे लाखों लाखों अनंत अनंत पृथ्वियां हों, तो जल उसी माध्यम से तैयार होगा, उसी कारण से तैयार होगा और उसी कारण से प्राप्त होगा। तो इसी प्रकार से आपके अंदर भी वही परमात्मा है जिसके आप खोज रहे हैं। जिस प्रकार से एक बूंद के अंदर भी वही जल है और सागर के अंदर भी वही जल है, उसी प्रकार से आपकी आत्मा के अंदर भी वही ताकत है और उस परमात्मा के अंदर भी वही ताकत है। अगर आपने इस तत्व को जान लिया जो आपके आत्म रूप में विराजमान है, तो आपको परमात्मा को जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी। कारण, क्योंकि ये भी वही बूंद है जो सागर से आई है और उसी सागर में समा जाएगी, उसी का एक अंश है। तो आप विरह पैदा करो। अगर विरह भी नहीं पैदा कर पा रहे, भजन भी नहीं कर पा रहे, ध्यान भी नहीं कर पा रहे, सुमरण भी नहीं हो पा रहा, तो विचार पैदा करो,
सवाल खड़े करो, जितने ज्यादा सवाल कर सकते हो उतने सवाल करो। मैं आज सवाल रोकने के लिए नहीं कहूंगा, इस बुद्धि के ऊपर अंकुश लगाने के लिए नहीं कहूंगा, खोज करने के लिए कहूंगा। जितनी ज्यादा खोज आप कर पाओगे, जितनी गहराई में आप उतर पाओगे, जब तक सवाल पैदा नहीं होंगे तब तक लगाव पैदा नहीं होगा, लगन पैदा नहीं होगी। जब तक इच्छा जागृत नहीं होगी, जब तक हम उस परमात्मा के विषय में नहीं सोच पाएंगे तो सवाल कहां से खड़े हो पाएंगे। वहां तो केवल दिखावा ही होगा। चले तो थे हम उस परमात्मा की ओर, हर समय भजन करने की कोशिश करते रहते हैं, ध्यान करने की कोशिश करते रहते हैं, लगे रहते हैं, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है देखकर एक एक जीव को हमें, जब वो ये सोच ये रास्ता को छोड़ देता है और माया के अंदर खोने लगता है। भजन में भी कहीं ना कहीं अपना स्वार्थ ढूंढने लगता है, ध्यान में भी अपना स्वार्थ ढूंढने लगता है, और वो संसार को यह दिखाना चाहता है कि परमात्मा मेरी मुट्ठी के अंदर है, उसको मैंने पकड़ रखा है। बड़ा आश्चर्य होता है, न उसको कोई पकड़ सकता है, न कोई पकड़ पाया है, न ही कोई पकड़ पाएगा। ये तो हमारा अहंकार है जो हमें भ्रमित करने चला है। जितने भी सवाल पैदा हो सकते हैं उतने सवाल पैदा करो और खोज करो उन प्रश्नों के उत्तर की। जब जितने प्रश्नों के समाधान होते चले जाएंगे, जितने के उत्तर आते चले जाएंगे, उतने प्रश्न समाप्त होते चले जाएंगे और संतुष्ट होते चले जाएंगे। जितनी संतुष्टि होती चली जाएगी उतनी जागृति होती चली जाएगी। तो खोज करो स्वयं की। मैं आज परमात्मा की खोज के विषय में नहीं बोलूंगा, क्योंकि यह विषय ज्ञान का है, आत्मा का विषय, चेतना का विषय, जीव से ब्रह्म होने का रास्ता है, समझने का विषय, सोचने का विषय, जानने का विषय है। जब हमने जान लिया तो सब कुछ पा लिया, कुछ भी खोना पाना शेष नहीं रह जाता, सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और जब तक उस इस बूंद को नहीं जाना तो सागर को आप कैसे जान पाओगे। आप इस बूंद को जानने की कोशिश करें, इस आत्मा को जानने की कोशिश करें। जब आप इस आत्मा को जान लेंगे तो परम चेतन सत्ता तो अपने आप ही हाजिर हो जाएगी, अपने आप ही प्राप्त होती चली जाएगी, क्योंकि इसके अंदर और उसके अंदर भेद नहीं है। आप समय की खोज करो, चाहे ध्यान से हो, चाहे सवाल से हो, चाहे तर्क से हो, चाहे ज्ञान से हो, चाहे नाम से हो, चाहे भक्ति से हो, चाहे प्रेम से हो, कारण पैदा करो किसी भी तरह से। जब तक कारण नहीं होगा कार्य नहीं हो पाएगा। और समय को जिसने जान लिया उसने सब कुछ पा लिया, उसका चक्र अपने आप ही टूट जाएगा। वो संसार को देख देख करके हंसने लगेगा कि बड़ा आश्चर्य होता है। जब मछली जल के अंदर रह करके भी प्यासी होती है तो बड़ा आश्चर्य होता है। तो आप के अंदर और बाहर परमात्मा होते हुए भी आप उसको नहीं जान पा रहे। मन लो विक्षेप और आवरण के ये जो पर्दे पड़े हुए हैं बीच के अंदर, ये भ्रम है, इसको तोड़ देना होगा, तब हमें जागृति होगी। अहंकार को भुला देना होगा, एक दूसरे को जानने की कोशिश की बजाय हम अपनी स्वयं की कमियों को दूर करते चले जाएं, उस
से बड़ा दमदार होगा, क्योंकि हम जितनी दूसरों की कमियों को खोज करते चले जाएंगे शायद उतनी ही कमियां हमारे अंदर उससे भी ज्यादा होंगी। हम अपनी कमियों को तो नहीं गिन पा रहे, क्यों? क्योंकि हमारा जो अहंकार है वो हमें सच्चाई स्वीकार करने से बार बार रोकता रहता है। मैं उस जीव को बड़भागी मानता हूँ और बड़ा श्रेष्ठ मानता हूँ जो अपनी गलती स्वीकार करके और आगे न करने का प्रण देता है। ये कोई छोटा मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा कार्य है, बहुत बड़ा कार्य है। क्योंकि जीवन में कभी गलती न हो ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है, बहुत ही श्रेष्ठ बात है। और आप लोगों की तो दूर है, हम तो समय की भी कमी खोजते रहते हैं कि हमारे अंदर ही कोई ऐसा विक्षेप पैदा न हो जाए। ये उस परम चेतन सत्ता के कहने के बावजूद भी, उसके ये कहने के बाद भी, अब जो भी कुछ होगा वो मेरे आदेश से होगा। तुम कठपुतली हो मेरी, जिस तरह से हम चलाएंगे उसी तरह से चलते चले जाओगे। उसके इस आदेश के बाद भी फिर भी मैं खोजता रहता हूँ, क्यों? क्योंकि हमें फिर भी कोशिश करते रहना चाहिए, फिर भी लगन रहनी चाहिए, ताकि उस मैं अपने गुरु को मौका नहीं देना चाहता कभी भी किसी भी शिकायत का। आज तक हमने उसको कोई मौका नहीं दिया। हाँ, ये और बात है कि जो उसकी इच्छा हुई उसका आदेश का पालन करते चले गए। ये और बात है कि मैंने उसके आदेश के बारे में भी एक बार तो सोचना पड़ा मुझे भी कि क्या ये मेरे गुरु का ही आदेश है, कहीं माया का तो नहीं, कहीं मुझे भ्रमित तो नहीं कर देगा, कहीं मुझे पथ भ्रष्ट तो नहीं कर देगा। लेकिन हमने जब तह तक जाके खोजा, जब सोचा विचार किया और एक बार नहीं, आप लोगों के बीच ही ऐसे जीव बैठे होंगे जिनको ये आदेश आए होंगे। क्योंकि हो सकता है मैं एक, कभी कभी तो मैं ऐसा भी करता हूँ, स्वयं पर ही भरोसा नहीं कर पाता और उसी परम चेतन सत्ता के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप ये जो आदेश दोगे उसी का पालन होगा और आपके आदेश से कुछ भी बाहर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो सदा से है, वो भूत भविष्य और वर्तमान को जानने वाला है, तीनों कालों को जानने वाला है। क्योंकि जब उसका आदेश आता है तो हमें बिना सोचे समझे पालन कर देना चाहिए। तो उसके आदेश आने के बाद भी, बार बार आदेश आने के बाद भी एक कदम ऐसा हमें उठाना पड़ा, मुझे भी सोचने का विचार करना पड़ा। लेकिन बहुत ही गहराई में उतरते हुए हमने 100 बार सोचा होगा, 1,00,000 बार विचार किया होगा, न चाहते हुए भी हमने उसके आदेश का पालन किया है। तो मेरे जो जहां तक बुद्धि कार्य करती है, आप लोगों से आज तक ऐसा कोई सवाल नहीं खड़ा हुआ हो जहां पर इतने गहराई तक विचार करना पड़ा हो, जहां धर्म और अधर्म का निर्णय लेना बड़ा कठिन हो गया हो, ये धर्म है या ये धर्म है, ये सत्य है या ये असत्य है। मेरे हिसाब से आपके जीवन में ऐसा मार्ग कभी नहीं आया हो, लेकिन हमने पग पग पर परीक्षा दी है और बार बार प्रार्थना की है उस परम पिता परमेश्वर से, हे परम पिता, हे अनंत, हे गुरुदेव, आप इन छोटे छोटे जीवों की परीक्षा मत लो, ये नहीं दे पाएंगे। मैं भी इसे काबिल नहीं हूँ कि आपकी परीक्षा में सफल हो पाऊं। हे परम पिता, आपके आदेश का ही पालन कर सकता हूँ, बाकी तो आपकी इच्छा है। तो जब निर्णय तोला गया, जब सोचा गया, जब विचार हुआ, बहुत से विचार पैदा हुए, बहुत सी चहल पहल हुई,
से लोग भ्रमित हुए। शायद उस समय कोई भी जीव था नहीं हमारे साथ, लेकिन जिस दिन वो सच्चाई स्वीकार हुई, क्योंकि इसमें मेरा स्वार्थ होता, उसका आदेश का पालन नहीं होता, तो सब कुछ बर्बाद होता चला गया होता। न शक्ति होती, न तेज होता, न ज्ञान होता, न परमात्मा होता, लेकिन उसके आदेश के कारण, उस सत्य के कारण, उस धर्म के मार्ग के कारण और उस तपस्या के कारण, उस त्याग के कारण और उस विचार के कारण, शायद उस परमपिता परमेश्वर ने, उस दाता ने इतनी ताकत सौंप दी कि मैं ही नहीं सोच पा रहा हूं, मैं ही नहीं समझ पा रहा हूं कि उस परमात्मा ने क्या दिया है। क्योंकि उस दाता ने इतनी मेहर की है, शायद आप सब लोग जानते होंगे और आपने अनुभव भी किया होगा, जो कोई भी नहीं कर पा रहा, जहां तक साइंस सोच सोच के बंद हो जाता है, जहां साइंस का विचार खत्म हो जाता है, वहां आध्यात्म की एक दृष्टि, उसे परमात्मा ने इतनी ताकत दी है, उसकी कृपा इतनी हुई, जो आप सब लोगों के ऊपर बरस रहे हैं, ये तो शुरुआत है। उस ताकत का अंदाजा तो आपको लगता चला जाएगा, लेकिन आपको शायद, मैं ये परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपको इस प्रकार की परीक्षा से न गुजरना पड़े, आपको इस